गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड my डियर फ्रेंड्स Today इज 5th ऑफ September 2022, Monday. Motivation of मंडे मोटिवेशन ऑफ द डे इज़ यू डू नॉट फाइंड हैप्पी लाइफ यू मेक इट आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज आर्टिकल्स कवर करेंगे तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर चार पर दिया हुआ है पेज नंबर एक पर दिए हुए आर्टिकल हम अदर न्यूज़ सेक्शन में कवर करेंगे तो देख लेते हैं पहला न्यूज़ आर्टिकल क्या है एम इट चाइना स्लो डाउन इट्स इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया ड्रॉप थर्टी फाइव परसेंट इन अप्रैल एंड ऑगस्ट चाइना में स्लो डाउन की वजह से जो इंडिया का एक्सपोर्ट है चाइना में वो अप्रोक्सीमेटली थर्टी फाइव परसेंट तक ड्रॉप हुआ है अगर क्वांटम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली सिक्स पॉइंट एट बिलियन तक पहुँच गया है इंडिया का एक्सपोर्ट ड्रॉप होते हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ अप्रैल एंड ऑगस्ट मंथ अप्रैल टू ऑगस्ट मंथ जबकि अगर हम इस पीरियड में कंट्री का ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो कंट्री के ओवरऑल एक्सपोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी परसेंट का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है तो सत्रह परसेंट का इंक्रीज से इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन अगर स्पेशली हम नॉर्दर्न नेपो से देखें चाइना से देखें अपने ट्रेड रिलेशन तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो पैंतीस परसेंट तक डिक्रीज हुआ है और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन चाइनीज इकोनॉमी इंडियाज़ एक्सपोर्ट इज़ गेटिंग ड्रॉप्ड इन टू दिस पीरियड ऑफ टाइम और इस ड्रॉप की वजह से जो चाइना है वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है ज्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम जो कि पहले सेकेंड की पोजिशन में था तो अगर हम अप्रैल से ऑगस्ट मंथ का पीरियड देखें तो इस समय चाइना इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है जबकि वो इससे पहले इस एक साल पहले अगर हम देखें सेम पीरियड में तो चाइना सेकेंड पोजिशन पर था अब क्वेश्चन ये होता है वाई चाइना इज़ फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस और द स्लो डाउन जबकि जो अदर इकोनॉमीज़ हैं वो अभी एक डिसेंट ग्रोथ रेट से परफॉर्म कर रहे हैं तो द स्लो डाउन इन द चाइना कम्स इन द ऑफ चाइनीज ज़ीरो कोविड पॉलिसी ज़ीरो कोविड अप्रोच जो है चाइना का इसकी वजह से ये स्लो डाउन देखने को मिल रहा है एज़ पर द नंबर ऑफ एक्सपर्ट सो बिकॉज ऑफ दिस ज़ीरो कोविड अप्रोच टू कंटेन कोविड नाइन्टीन विद लोकल लॉकडाउंस एंड एमीड रियल स्टेट सेक्टर स्लो डाउन चाइनीज इकॉनॉमी इज़ फेसिंग दिस रिसेशनरी व जिसकी वजह से जो मल्टीपल शॉक्स हैं चाइनीज़ इकोनॉमी को वो फेस करने पड़ते हैं पहला जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंजप्शन को इम्पैक्ट कर रहे हैं अगर हम कई सारे रिस्ट्रिक्शंस की बात है तो उसकी वजह से जो चाइनीज़ इकोनॉमी में कंजप्शन है वो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कंजप्शन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है इसके अलावा रियल स्टेट या प्रॉपर्टी सेक्टर में जो स्लो डाउन या डाउन टर्म देखने को मिला पिछले कपल ऑफ मंथ से उसका इम्पैक्ट भी चाइनीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर पड़ रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं किसी भी इकॉनमी के लिए इसके अलावा अगर हम देखें एक्सपोर्ट की डिमांड वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में तो एक्सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं और इसी वजह से का से जो एक्सपोर्ट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है तो ये सारे कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो गए इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें जैसे कि एनर्जी प्राइसेस की क्रूड ऑयल प्राइसेस की उसका इम्पैक्ट भी चाइनीज इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल आयरन और एलुमिनियम प्रोडक्ट्स इन सब के भी एक्सपोर्ट में डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है हालांकि अगर इंडिया से एक्सपोर्ट की बात करें तो कुछ ऐसे कमोडिटीज़ भी हैं जहां पर चाइना का इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज है, जैसे कि फूड कमोडिटीज़ नॉन बासमती राइस मरीन प्रोडक्ट्स इन दोनों के केस में चाइना में इंपोर्ट इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है तो बेसिकली जो रियल स्टेट सेक्टर मैनुफैक्चरिंग सेक्टर मेटल एंड ओर्स हैं इन सारे सेक्टर्स में अगर हम देखें तो इन सारे एक्सपोर्ट को हम देखें तो कहीं ना कहीं चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है और इसका सीधा सीधा रीज़न है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है चाइना में मैन्यूफैक्चरिंग नहीं हो रही है रियल स्टेट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि उन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है कंजप्शन नहीं है ये तो बात रही इंडिया से एक्सपोर्ट होने की लेकिन अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो इंडिया का इम्पोर्ट चाइना से ट्वेंटी एट परसेंट तक इंक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड अप्रैल से लेकर के ऑगस्ट तक जहाँ हमारा एक्सपोर्ट जो है पैंतीस परसेंट तक डाउनग्रेड हो रहा है हमारा जो इम्पोर्ट है वो अट्ठाईस परसेंट से बढ़ रहा है और कंट्री की अगर ओवरऑल इम्पोर्ट ग्रोथ की बात करें तो ओवरऑल इम्पोर्ट ग्रोथ पैंतालीस परसेंट तक का फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट तक इंक्रीज़ हो रहा है जब ओवरऑल फोर्टी परसेंट तक इंक्रीज़ हो तो डेफ़िनेटली चाइना के साथ हमारा जो इम्पोर्ट है वो ट्वेंटी एट परसेंट तक इंक्रीज़ होना बहुत ही रैशनल है जिसकी वजह से जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो अपने पाँच महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया था इस अप्रॉक्सीमेटली थर्टी बिलियन डॉलर इवन चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन होने की बावजूद भी चाइना का इम्पोर्ट बढ़ रहा है एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न और सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया और अगर हम बात करें कि ग्रोथ ऑफ ट्रेड डेफिसिट चाइना क्यों हो रहा है जबकि चाइना में तो रिसेशनरी विंडस ब्लो कर रही हैं तो बेसिकली दो फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड ने हम बोल सकते हैं एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई किए हैं पहला नैरो बास्केट ऑफ कमोडिटी मोस्टली जो प्राइमरी कमोडिटीज़ हैं जो कि हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं उसकी बहुत नैरो बास्केट है छोट चो, एक छोटा सा रेंज है छोटी सी लिस्ट है और एक कौन कौन से कमोडिटीज़ उसमें आते हैं। तो IT ITES, मतलब आती हैं तो मोस्ट ऑफ़ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ फार्मास्यूटिकल आईटी और आईटी टी एस मतलब सर्विसेज आती हैं तो केवल दो तीन सेगमेंट में ही हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं जबकि जो हमारा इम्पोर्ट है उसकी जो बास्केट है दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग रेंज बास्केट है बहुत ज़्यादा कमोडिटीज हैं बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारी चाइना पर तो वो जो बास्केट है इम्पोर्ट की बास्केट वो बहुत ही रेंजफुल है या ब्रॉड बास्केट है इंडिया के जो प्रॉबी प्री एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से आयरन और कॉटन कॉपर एल्यूमिनियम डायमंड नेचुरल जेम्स ये चीज़ें हम चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली रॉ मटेरियल बेस्ड कमोडिटीज़ अगर चाइनीज़ एक्सपोर्ट का बात करें तो मशीनरी पावर रिलेटेड इक्वमेंट्स टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइज़र इन सब पर हमारी डिपेंडेंसी चाइनीज मार्केट पर तो हमारा जो इम्पोर्ट बास्कृत है दैट इज़ वेरी ब्रॉड जिसकी वजह से चाइना के रिसेशन का भी हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर बहुत ज़्यादा या बोले इम्पोर्ट पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला हालांकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़रूर इम्पैक्ट कर रहा है क्यों क्योंकि चाइना में उसकी डिमांड ही नहीं बिकॉज ऑफ द लेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सो दीज आर द टॉप एक्सपोर्ट्स टू चाइना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मरीन प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक केमिकल्स नॉन बासमती राइस आयरन ओर आयरन स्टील एंड एलमुनियम दिस इज द नैरो बास्केट ऑफ आवर एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ जबकि इम्पोर्ट बास्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है चाइना से इसके अलावा अगर हम बात करें एक और न्यूज़ की जो कि सेम पेज नंबर पर दी हुई यहाँ पर इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हुई है जहाँ के भी हमने डिस्कस भी किया है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कंटिन्यूसली ब्रॉडन हो रहा है तो ये न्यूज़ भी उसी डेटा से रिलेटेड है देख लेते हैं न्यूज़ का एक्सपोर्ट एट एक थर्टी मंथ लो बट ट्रेड डेफिसिट रिमेन्स एलिवेटेड सो आउटबाउंड शिपमेंट फ्रॉम इंडिया डेकलाइन टू अफ डॉलर थर्टी थ्री बिलियन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट यानी जो हमारा एक्सपोर्ट है पिछले तेरह महीनों के सबसे लोएस्ट पॉइंट पौंग पर पहुंच गया इट मीन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है एज पर दंथ डेटा पिछले साल के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 1.15 परसेंट का डिक्रीज देखने को मिल रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट में रीजन प्रोलॉन्ग द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड ग्लोबल हैडविंड इन टर्म्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन रेट्स एंड डीले इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रीज़न और चाइना से जो हमारा सब जो नॉर्थन नेबर चाइना जिससे हमारा एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ है उसकी वजह से भी हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट में डेक्लाइन देखने को मिल रहा है तो एक्सपोर्ट जो है वह हमारा कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रीजन स्लो डाउन आ रहा है मेजर इकोनॉमीज़ में रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है ग्लोबल हेडविंड्स देखने को मिल रहा है हाई इन्फ्लेशन जो ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं उनके एग्जीक्यूशन में उनके ट्रांसपोर्टेशन में डीले हो रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स और जिसकी वजह से जुलाई अगस्त में कंटिन्यूसली हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में ये तो बात रही एक्सपोर्ट की लेकिन अगर हम इम्पोर्ट को देखें तो इम्पोर्ट में थर्टी परसेंट थर्टी फाइव थर्टी सिक्स परसेंट का इंक्रीज देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और मेजरली जो इंक्रीज़ हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन तो एक साइड तो हमारा एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है दूसरे साइड हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी एलिवेट हो रहा है वो भी ब्रॉड हो रहा है तो क्रूड एनर्जी प्राइसेस मेटल के जो इंक्रीज़ हो रहे हैं प्राइसेज उसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट बिल्स बढ़ रहे हैं और इम्पोर्ट बिल्स बढ़ने की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज़ हो रहा है और इवन एक्सपर्ट जो है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली डॉलर 162-180 टू वन बिलियन तक जा सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली थ्री परसेंट ऑफ जी अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होती रही और इसी तरीके से जो ग्लोबल जियो सिचुएशन है अगर वो नॉर्मलाइज नहीं हुई आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर सिक्स ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड सेंटर लुक्स टू इंप्रूव डिस्क्लोजर मेड बाय पीएसयूज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एफिशिएंट बनाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए सेंटर कई बार टाइम टू टाइम कई सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गाइडलाइंस प्रमोट करती रहती है जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो एफिशिएंट बने इफेक्टिव बने इन देयर ऑपरेशन अब क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ सेंटर गवर्नमेंट इज लुकिंग टू इंप्रूव द डिस्लोजर नॉर्म्स जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो डिस्कलोजर करते हैं अपनी मंथली प्रोग्रेस को लेकर के अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट्स को लेकर के अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनिशिएटिव्स को लेकर के उन सब पर अब जो सेंटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कलोजर डिमांड करने जा रही है या इम्प्रूव प्रूव डिस्क्लोजर के लिए नॉर्म्स बनाने जा रही है इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को लेकर क्योंकि रीसेंट टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को लेकर के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क को लेकर के कुछ अपने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स शेयर किए थे इसके बाद से फ्लेक्सी वर्क आवर कॉन्ट्रेक्चुअल एडॉक को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशन इकॉनमी में चला है तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स अनयूज लैंड मीन्स जो अनयूज असेट्स पड़े हुए हैं आइडियल असेट्स पड़े हुए हैं प्रॉफिट शेयरिंग इन जॉइंट वेंचर इन सारे आस्पेक्ट पर भी नाउ सेंटर इज लुकिंग फॉर मोर डिस्कलोजर तो जो गाइडलाइन प्रमोट करने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज

तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म डी पी भी बोलते हैं जो बेसिकली पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे को करता different, different पब्लिश करता है और डिफरेंट डिफरेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ हैं उनसे डेटा कलेक्ट करके उनको इंटीग्रेट करके एक सर्वे पब्लिश करता है अब यही डी जो है वो अब इन सारे ब्रॉड पैरामीटर्स पर भी पी से डिस्क्लोजर लेगा तो मोर पैरामीटर्स पैरामीटर्स आर नाउ बीइंग इंक्लूड इनटू दिस डिस्क्लोजर नाउ इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं जो टाइम गैप जिसके जिस टाइम गैप पे ये पी जो हैं वो डी से डेटा शेयर करती थी मे बी सिक्स मंथ वन ईयर उस टाइम गैप को भी अब रिड्यूस किया जाएगा इट मीनस फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाएगी अब इस डेटा जो जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स बढ़ाए जा रहे हैं इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंप्रूव होगा रिसर्च डेवलपमेंट में भी ये डेटा यूज़ किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम इट अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स से हैं ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स से जो कि विंडो ड्रेसिंग करती हैं बहुत सारी चीज़ों की उसमें भी हमें डेकलाइन देखने को मिलेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स से की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में उनके परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलेगा असेट्स मोनिटाइजेशन जो गवर्नमेंट चला रही है उसमें भी गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगा जो आइडल असेट्स हैं उनका भी डेटा आएगा सी एस आर को लेकर के भी गवर्नमेंट को डेटा मिलेगा जिससे कि इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर पाएगी इन इन डिस्कलोजर नाम्स के थ्रू बजट एलोकेशन को लेकर के गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी डेविडेंट एलोकेशन को लेकर के गवर्नमेंट एक इंफॉर्म डिसीजन ले पाएगी इस तरीके से बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं इन डिस्क्लोजर के ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन होगी होगी करप्शन भी रिड्यूस होगा तो अगर इन सारे पैरामीटर्स पर टाइमली और लेस फ्रीक्वेंट मैनर में गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर इन एलिगेशन या वो टैग रिमूव करने में गवर्नमेंट को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी तो यही सेम न्यूज पेज नंबर दो पर दी हुई है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज क्या देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर फॉर्म आर इनिशियंट गवर्नमेंट मस्ट नॉट रन बिजनेस भार्गवा यह न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर दो पर दी हुई है हु इज मिस्टर भार्गवा मार्त्यु सुजुकी इंडिया के जो चेयरमैन हैं आर सी भार्गवा उनके अकॉर्डिंग जो पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं स्टेट ओन फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ओन फॉर्म्स हैं दे आर इन एफिशेंट दे आर नॉट मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ पब्लिक और द गवर्नमेंट और इसीलिए गवर्नमेंट को इन सारी बिज़नेसेस को रन नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट का पर्पज जो है वो गवर्नेंस करना है बिजनेस करना नहीं है ऐसा कहना है मिस्टर भार्गवा का कंपनीज मस्ट क्रिएट वेल्थ शुड नॉट इरोडेट जबकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमेशा इस बात के लिए उन पर एलिगेशन लगते हैं कि जो पीएसयूज अगर कुछ पीएसयूज को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम पी एस यूज हैं वो सिख यूनिट्स हैं वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ना करके जो पब्लिक एक्सचकर का मनी है उसको इरोड कर रही यही बात दोबारा से मिस्टर भार्गवा ने, ने रीटरेट करी है एंड गवर्नमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और जिसकी और जिसका एक्चुअल में आउटकम रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता तो प्रॉबर्बली विद इंप्रूव और चेंज डिस्कलोजर नॉम गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक दिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मोर एफिशियंट हालांकि मेरा ये कहना नहीं है इस, इस आर्टिकल में भी ये नहीं कि केवल इसी डिस्क्लोज़र नॉम से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एफिशिएंट बनाया जा सकता है इफेक्टिव बनाया जा सकता है बट येस दीज आर द प्राइमरी स्टेप्स तो जो मंथली टारगेट दिए जाते हैं पी को उन्होंने कितना टारगेट अचीव किया ये सारे डिस्क्लोजर जो है मंथली और क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में पब्लिश होते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री मॉनिटर करती है बट नाउ गवर्नमेंट इज डिमांडिंग मोर डिस्क्लोजर फ्रॉम दीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सो लेटस सी कि इसको लेकर के क्या डिटेल गाइडलाइंस आती हैं ओवरऑल जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ये सारे आस्पेक्ट्स पर गवर्नमेंट जो है अब वो ज्यादा डिस्क्लोजर मांगेगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से एडेड कंप्लाइंस जेंडर वाइज रिपोर्टिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स शेयर इज डिफरेंट शेयर ऑफ पी एस इन डिफरेंट जे वी पैन टाइम गैप्स ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन एज अगेंस्ट द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट डिटेल ऑफ अनयज पी एच डी लैंड डेफिनेटली फॉर मॉनिटाइजेशन पर्पज अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स रेलवे फ्लिट रिवेन्यू इंक्रीजेस नाइनटी परसेंट इन ऑगस्ट पैंडमिक के ड्यूरेशन में इंडियन रेलवे के रिवेन्यू में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था रेलवे का जो रिवेन्यू बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था क्यों क्योंकि रिस्ट्रिक्शन की वजह से फुटफॉल पैसेंजर फुटफॉल बहुत ज़्यादा दिखती होता है जिसकी वजह से दोनों ही सेक्शन में पैसेंजर सेक्शन में और कार्गो सेक्शन दोनों में ही हमें रिवेन्यू uh, फॉल देखने को मिला था बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ कोल सप्लाई इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड पावर डिमांड इस समय जो इंडियन रेवल्यू की जो फ्रिज अर्निंग है वो अप्रोक्सीमेटली बारह हजार नौ सौ छब्बीस करोड़ पहुंच गई है केवल केवल ऑगस्ट मंथ में तो अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन परसेंट का इंक्रीज फ्रिज रिवेन्यू में देखने को मिल रहा है नॉट इन द पैसेंजर सेगमेंट पैसेंजर कैरियर सेगमेंट बट इन द कार्गो कैरियर सेगमेंट तो जो नेशनल ट्रांसपोर्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली वन वन नाइन एम टी ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है ड्यूरिंग दिस ऑगस्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री तो बेसिकली जो रिवेन्यू शॉर्टेज या रिवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला था इस सेगमेंट में कैरियर सेगमेंट में कागो सेगमेंट में वो फिलहाल के लिए ओवरकम होता हुआ दिख रहा है दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन सीमेंट फर्टिलाइजर कंटेनर फूडवीन स्टील मिसलेनियस आयरन कोर एंड कोल कितना कितना चेंज आया है हालांकि कुछ सेगमेंट जैसे आयरन और की अगर हम बात करें और फूड ग्रेन की बात करें तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है या इस सेगमेंट में थोड़ी सी अर्निंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो कोल के ट्रांसपोर्ट में दिख रहा है रीजन कोल का जो ट्रांसपोर्ट है कोल की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पावर डिमांड और मीटिंग द पावर सप्लाई टारगेट जो पी एस यूज हैं दे आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग द कोल आप देख लेते हैं नेक्स्ट विनिंग ऑफ रुपीज फिफ्टी एट के करोड़ फाउंड एट गेमिंग फॉर्म तो इंक्रीज सिक्योरिटी की वजह से जो बेसिकली जो फैन फैंटेसी गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है रिसेंट टाइम में सीबीडीटी ने उनका जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी जो स्क्रूटनी है वो इंक्रीज़ कर दिया और अभी रिसेंटली एक ऐसे इंडिविजुअल को फाइंड आउट किया जिसने अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी के करोड़ अर्न किए हैं फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स ओवर द लास्ट थ्री ईयर्स और इसके बाद से अप्रोक्सीमेटली थर्टी परसेंट का टैक्स प्लस पेनल्टी इम्पोज करी गई है इस इंडिविजुअल पर और इसी तरीके से बहुत सारे और भी इंडिविजुअल्स होंगे जो कि इन गैप्स इन इन गेमिंग एप्स के थ्रू फैंटेसी गेम गेम के थ्रू ऑन कर रहे हैं बट दे आर नॉट मेकिंग एनी डिस्क्लोजर और सी के अकॉर्डिंग अभी तक का अगर एस्टिमेशन किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली बीस हजार करोड़ का टैक्स जो है वो ड्यू है विनर्स से तो नाउ स्क्रूटनी जो है वो सी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस के थ्रू बढ़ गई है पार्टिसिपेंट्स को स्क्रूटेनाइज किया जा रहा है उनकी अर्निंग्स को वेरीफाई किया जा रहा है और प्रॉब्ली इस तरह के और ज़्यादा इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स देखने को मिल सकते हैं इन अपकमिंग टाइम आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप आईसीआईसीआई बैंक टू रेज अप टू रुपी टेन के करोड़ वाया इंफ्रा बॉन्ड्स आईसीआईसीआई बैंक 10 हजार करोड़ का फंड रेज करने जा रही है स्लाइटली टू रेज अप अप्रोक्सीमेटली 10 के करोड़ थ्रू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड किस लिए फॉर फाइनेंसिंग द अफोर्डेबल हाउसिंग तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस करने के लिए आई सी आई सी आई बैंक इज़ नॉट गोइंग टू रेज दिस अमाउंट ऑफ मनी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आई सी आई सी आई का फुल फॉर्म लिख करके बता सकते हैं एंड दिस डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं तो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स होंगे हमने कई बार डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं ये सी आर आर और एस एल आर में एग्जाम्शन प्रोवाइड करेंगे आई सी आई सी आई बैंकों एंड डेफिनेटली ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट आई सी आई सी आई बैंक को असेट लाइबिलिटी जो मिसमैच है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा एंड एज ऑफ नाउ जो रेटिंग एजेंसी है आई सी आर ए उसने उसने इस बॉन्ड को ट्रिपल ए रेटिंग ट्रिपल ए रेटिंग यानी मोस्ट सूटेबल इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन दिया है

रिन्यूबल एनर्जी को लेकर के गवर्नमेंट का जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग इन मिशन मोड चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे वो विंड एनर्जी हो चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो लेकिन सोलर एनर्जी को लेकर के नाउ द डेवलपर्स आर फेसिंग वन वेरी बिग चैलेंज वॉट इज द चैलेंज द डेवलपर्स आर फेसिंग द अनसर्टनिटी बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ सोलर फोटोवोल्ट मॉड्यूल्स जिन्हें हम पीवी मॉड्यूल्स भी बोलते हैं कई बार आपने न्यूज़ एनालिसिस में पढ़ा भी होगा तो जो पीवी मॉड्यूल्स हैं उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है और उस डिमांड के प्रपोर्शन में जो सप्लाई है पीवी मॉड्यूल्स की वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है इवन जो सोर्सेज है उनका ये कहना है जो लीडिंग प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं जैसे कि अगर हम बात करें एन इनको भी पी वी मॉड्यूल्स जो हैं वो टाइमली अवेलेबल नहीं हो रहे जिसकी वजह से जो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स हैं वो डीले हो रहा है, है जो सोलर प्रोजेक्ट है उनका डेवलपमेंट उनका कम्पलीशन डीले हो रहा है अपार्ट फ्राम इट सप्लाई डिमांड मिसमैच की वजह से जो कॉस्ट है जो प्राइस हैं पी मॉड्यूल्स के वो भी बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से जो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है और इवन एक्सपर्ट का ये एक कहना है कि जितनी डिमांड है उसकी हाफ सप्लाई भी अवेलेबल नहीं है सो थर्टी टू फोर्टी परसेंट प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गए हैं डिमांड जो है वो हाफ क्वांटम में भी फुलफिल नहीं हो रही ऑल दीज रीजंस आर एक्चुअली लीडिंग टू डीले इन द कंप्लीशन ऑफ दिस सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और जो इवेंचुअली इंडिया का जो टारगेट है एमिशन को लेकर के रिन्यूबल एनर्जी को लेकर के उसको भी इम्पैक्ट करेगा सो लेट अस सी कि जो पी वी मॉड्यूल्स हैं इनका शॉर्टेज कैसे गवर्नमेंट ओवरकम करती है सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स इफ यू वांट लेक्चर पी डी एफ यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन यू कैन राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन बिलो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैव अ नाइस डे